इन दिनों विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर परिसर का विस्तारीकरण जारी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे इस कार्य को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर ने लगभग 800 करोड़ की योजना का प्रेजेंटेशन दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार और सौंदर्यकरण पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत मंदिर परिसर में विभिन्न कार्य होंगे। विस्तार के बाद मंदिर क्षेत्र 8 गुना बढ़कर 20.58 हेक्टेयर हो जाएगा। अभी मंदिर परिसर का क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर है। इस पूरी योजना को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रेजेंटेशन भी दिया, जहां सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव ने पूरी योजना बताई। उनको करके और आगे बढ़ेंगे 70 मीटर, तो एक बहुत अच्छा स्वरूप आएगा। मैंने एक चीज और बोली है कि जो हम 200 मकान अभी ये ले रहे हैं, इसको भी हम महाकाल प्रोजेक्ट में ही जोड़ेंगे, ताकि भविष्य के लिए हमको कभी जरूरत पड़े तो हम वहां पे कहीं नई योजना ला सकते। दूसरा, जैसे मोहन जी ने विजन बता रहे थे, इस पे ध्यान दिया तो भस्मारती में परमिशन वाला एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ, और फिर वो सभागृह को जो सामने बैठ करके दर्शन करने आते हैं उसको जब बड़ा किया गया, और टूरिज्म से जो अपन ने सब्सिडी मिले 50 लाख की चालू की, अभी 2 करोड़ तक की सब्सिडी उसमें मिल रही है, तो आज की स्थिति भगवान की दया से ये हो गई कि लगभग 150 से ज्यादा होटल हो गए पूरे देश में। एकमात्र उज्जैन है जहां 6 लाख से कम आबादी वाले शहर के अंदर इतनी सारी होटलें हैं, जिसका प्रमाण अपन ने देखा कि पूरी सरकार अभी 2 दिन के लिए 4-5 दिन पहले तय हुआ, और 2 दिन बगैर कोई शहर जाम हुए, जैसे आए वैसे चले गए, ना नगर में ना मंदिर पे ना कहीं और कोई व्यवधान हुआ, जबकि पचमढ़ी में 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी फेल हो गए। आमतौर पर पचमढ़ी वगैरह में ऐसे आयोजन होते थे, तो हमारे लिए जोरदार ताली बजाई अपने विकास के वर्तमान में बड़ा पैमाना था हमारे यहाँ। हम तो उम्मीद करते आने वाले समय में भारत सरकार भी अपनी कोई 2-3 दिन की कोई नया यहाँ ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखे या कैबिनेट रखे तो भी है, वो उज्जैन में अनुकूलता बने। आप सुझाव भेजे उनको, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि 45 साल पहले 1977 में जब मोरार जी देसाई के समय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तब कालेदेव पैलेस का वो स्थान तय हुआ था, उस समय वो भवन था, तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे, अपने से जो बड़े उनको ध्यान में होगा, लेकिन वो उस समय वहां बैठक हुई थी। तो आज का दौर ये आया कि आने वाले समय में, अब ये एक पार्ट पूरा हुआ, मैं आपके माध्यम से 2 चीज की और आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि मेडिकल सेक्टर में भी अभी उसी प्रकार की संभावना है, तो मेडिकल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ उज्जैन में, क्योंकि इंदौर का स्थान और इंदौर में जगह की अब आप सेचुरेटेड हो गया है, तो बड़ी संभावना उज्जैन में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से एजुकेशन का भी बहुत बड़ा संभावना है, टूरिज्म का तो है ही, तो आने वाले समय में और ये विक्रम विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को भी हाथ में लिया है, क्योंकि उच्च शिक्षा का मंत्री होने के नाते बताना चाहूंगा, मैं विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय स्वयं का मेडिकल कॉलेज डाले, एग्रीकल्चर कॉलेज डाले, ताकि ये जो हमारी जो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें खाली मेडिकल कॉलेज डाले वो विभाग चला जरूरी नहीं, ये सब चलाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा की बात जहां भी होगी वो विश्वविद्यालय से जोड़ने की आवश्यकता है, तो विश्वविद्यालय होते इसीलिए, वो जमाना चला गया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज चलाएगी, अब वो समय गया, तो दोबारा ऐसे कई प्रयास भी कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दे रहे हैं। आज की स्थिति है कि उज्जैन में भी लगातार प्रयास करने के बाद जैसे रावंती का विश्वविद्यालय बहुत बड़ा बढ़िया बना आपके यहाँ। मंदिर विस्तारीकरण के दौरान भव्य द्वार, बड़ी प्रतिमाएं, फैसिलिटी सेंटर और कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। महाकाल मंदिर परिसर विस्तार की जो योजना है और आसपास जो डेवलपमेंट किया जाना है, जिससे कि श्रद्धालु और ज़्यादा सहूलियत से दर्शन कर पाएँ और जो भव्यता है मंदिर की उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसकी प्राचीनता को बरकरार रखते हुए, तो इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना बनाई गई है। सभी स्टेक होल्डर से, चाहे वो माननीय जनप्रतिनिधि हों चाहे संतगण हों, सभी लोगों से चर्चा करके इस योजना को तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसके इसमें सहमति दी गई है। आज मीडिया के सामने इसका पूरा प्रेजेंटेशन रखा गया है और आज के जो भी सुझाव आएंगे उसके बाद में लेके इसको फाइनल किया जाएगा। इस योजना में हमारा उद्देश्य ये है कि जो अभी मंदिर का परिसर है लगभग 2.4 हेक्टेयर का है, जो बढ़कर इस योजना के बाद में लगभग 20 हेक्टेयर का हो जाएगा, और अगर रुद्रसागर भी चूँकि उसके अंदर शामिल हो जाएगा, अगर उसको भी हम लोग जोड़ लें तो लगभग 35 हेक्टेयर से ऊपर का पूरा मंदिर का परिसर हो जाएगा। लगभग 800 करोड़ के आसपास की योजना है और इसमें ज़्यादातर जो राशि है वो स्मार्ट सिटी से खर्च की जा रही है।
स्मार्ट सिटी में जो राज्य शासन का योगदान है उसके अलावा भी राज्य शासन हमको 128 करोड़ रुपए भू अर्जन के लिए दे रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे। इसमें हम लोग जो मंदिर का प्रांगण है उसको भी बढ़ा रहे हैं, मंदिर के आसपास जो मिलने वाली रोड्स हैं उनको चौड़ा कर रहे हैं, कुछ नई रोड्स बनाने का भी काम कर रहे हैं, आगे के 70 मीटर के एरिया में नक्षत्र वाटिका को डेवलप कर रहे हैं, जो महाराजवाड़ा जो बिल्डिंग है उसको हम लोग उसका जो प्राचीन लुक है उसी हिसाब से रेनोवेट करते हुए उसमें सिंगस्ट का म्यूज़ियम और हेरिटेज धर्मशाला बना रहे हैं। तो कुल मिला के श्रद्धालु बहुत ही शीघ्रता से दर्शन कर पाएँ, बहुत ही सुविधा से दर्शन कर पाएँ, उनको आते हुए उज्जैन की परंपरा के बारे में, बाबा महाकाल के भव्यता के बारे में, उनके अगर जो उनसे जुड़े हुए वृतांत हैं उनके बारे में जानकारियां मिल पाएँ, उससे लोग परिचित हो पाएँ, उसका और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और अच्छे तरीके से दर्शन करके जाएं, ये हमारी योजना है। और इस पूरी योजना को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि अधिकतम 2.5 साल के अंदर 2023 के अगस्त सितंबर तक इसको पूरा कर सकें। इसके अलावा कुछ एक दो काम अगर बच भी जाते हैं तब भी हम लोग इसको एक मास्टर प्लान के रूप में संरक्षित करके रखें, जो ये केवल अगले 10 साल 20 साल नहीं 50 100 सालों तक के लिए हमारा ये मास्टर प्लान रहे। अगर आगे इसमें कोई भी परिवर्तन किसी को करना है तो जितने भी हम लोगों ने स्टेक होल्डर से बातचीत करी है उससे बातचीत करने के बाद ही उसमें परिवर्तन हों, जिससे कि बार बार हमको किसी हिस्से को हटाने की या बहुत हिस्से में संशोधन करने की आवश्यकता ना पड़े। इसके साथ ही शहर की कई सड़कें विस्तारीकरण के दौरान चौड़ी भी होंगी। वहीं इस पूरी योजना को श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना का नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।